अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल महरूम। आज मीर जाहिद को एहसास हुआ कि जिन रिश्तों के साथ सारी उम्र वो गलत करता रहा, वही रिश्ते दर हकीकत उनके अपने हैं। जायरा और नसरीन को उमैर के लिए यूं परेशान देखकर आज तो मीर जाहिद की भी आंखें खुल गई और उसको एहसास हुआ कि उसने कितना गलत किया इन दोनों के साथ। लेकिन यहाँ पे मीर जाहिद जोया को भी नहीं छोड़ेगा, तभी तो जोया को भी पकड़वा दिया और उसको भी अपनी गलतियों की सज़ा ज़रूर मिलेगी। उसने पहले तो जायरा की माँ का कत्ल किया और अब उमैर को कत्ल करने की साजिश रची। नसरीन तो अपने बेटे के लिए दुआएं करती नहीं थक रही और मीर जाहिद को इस बात का एहसास भी हो रहा है कि माँ माँ ही होती है। और यहाँ पर जफ़र का आना भी मीर को बहुत बुरा लगा और जफ़र ने सारी हकीकत बता दी कि मैं वही जफ़र हूँ जिसको तुमने आज से 20-22 साल पहले कॉल करके कहा था कि नसरीन मर गई। तब मीर जाहिद को एहसास हुआ कि मैंने कितना बुरा किया सबके साथ, लेकिन फिर भी माँ की दुआएं असर ले आई और उमैर को होश आ गया। होश आते साथ ही जब नसरीन वहाँ से जाने लगी तो उमैर ने नसरीन का हाथ पकड़ लिया और अम्मी अम्मी बुलाना शुरू हो गया। ये अम्मी सुनने के लिए कब से तरस गई थी नसरीन। आज तक तो उमैर ने बुलाया भी नहीं अपनी माँ को, लेकिन आज उसे एहसास हुआ कि मेरी माँ सही थी, मेरा बाप ही गलत था। तो माँ से माफ़ी मांगी अपनी सारे सालों की जो उसने किया अपनी माँ के साथ। माँ थी, भला ऐसे हो सकता है कि बेटा इस हालत में हो और माफ़ ना करे। वो तो पहले ही चाहती थी कि मेरा बेटा मुझे सही तरीके से बुलाए, इसीलिए उसे माफ़ कर दिया। इसने तो माफ़ कर दिया, लेकिन अभी जायरा का माफ़ करना ज़रूरी है। अभी अगर देखा जाए तो ड्रामा एंड ही होने लगा है। जफ़र का किस्सा भी सामने आ गया, मीर जाहिद भी सही हो गया, जोया को भी इसकी गुनाहों की सज़ा मिल गई। बस अब उमैर और जायरा का ठीक होना बाकी है, वो भी जल्द हो जाएगा। और इस ड्रामे की लास्ट एपिसोड भी होने वाली है। इसके अलावा मज़ीद वीडियोज़ के बारे में देखने और जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।